हेलो क्लास सिक्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है तो वी आर गोइंग टू तो डू द एक्सरसाइजेस ठीक है तो इस इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ़ ऑल लर्न अबाउट द न्यू वर्ड्स है ना न्यू टर्म्स जो हैं जानना बेहद ज़रूरी है तो इसको अगर आप जानते हैं तो एक्सरसाइज में करने में आपको बहुत मदद मिलेगी ठीक है बच्चों तो फर्स्ट कहता है स्केलेटन ठीक है आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इसमें हैं आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो साथ साथ आपका जीके का भी तैयारी हो जाएगा साइंस के साथ साथ तो पहला कहता है स्केलेटन स्केलेटन क्या होता है द फ्रेमवर्क बोन्स है ना बोन्स का जो एक संरचना होती है फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन कहते हैं उसे ठीक है और अगर हम बात करें वट की तो द स्मॉल बोन्स दैट मेक अप द बैक है ना वैसे वैसे छोटी छोटी हड्डियाँ जो कि ऋण की, की हड्डी बनाती हैं बैकबोन बनाती हैं ठीक है बच्चों उसे हम व कहते हैं बात करते हैं जॉइंट की तो जॉइंट में क्या है कि अ प्लेस वेयर द टू बोन्स मीट जोड़ जिसको हम जोड़ कहते हैं ना एक ऐसा स्थान ठीक है ऐसा स्थान जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं जॉइंट कहते हैं ठीक है बच्चों अगर हम लिगामेंट्स की बात करते हैं तो लिगामेंट्स क्या होते हैं ध्यान से पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है लिगामेंट्स और टेंडन्स आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो इसकी बेसिक्स आप जाने स्ट्रोंग स्ट्रेची बैंड्स दैट कीप द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स है ना स्ट्रोंग जो स्ट्रेची बैंड्स होते हैं स्ट्रेची ठीक है उसमें तनाव आता है खिंचाव ट कीप द बोन्स टुगेदर एट द ज्वाइंट है ना उनको हम क्या कहते हैं लिगामेंट्स कहते हैं ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं द बोन्स एट द ज्वाइंट्स है नुगेदर इसे कहते हैं हम लिगामेंट्स देखिए यहाँ पे दिया था क्वेश्चन नंबर फोर का आगे हम देखेंगे चलिए पहले इसको देख लेते हैं टेंडेंस क्या होता है टफ बैंड्स विच अटैच मसल्स टू बोन है ना मसल्स से बोन जो टफ़ बैंड्स होते हैं उसको हम टेंडेंस कहते हैं क्या कहते हैं टेंडेंस याद रखेंगे स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं स्ट्रीम स्ट्रीमलाइन शेप दैट इज़ इन फ्रंट एंड ब्रॉडर इन द मिडिल है ना सामने में वो क्या होता है नैरो होता है बिल्कुल पतला होता है सकरा होता है और मिडिल में क्या होता है ब्रॉडर होता है इसको हम स्ट्रीम कहते हैं स्ट्रीम शेप है ना चलिए फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चूज द करेक्ट आंसर एडल्ट ह्यूमन एडल्ट्यूमन स्केलेटन मेड ऑफ क्या होता है टू हंड्रेड बॉन्स टू हंड्रेड सिक्स टू हंड्रेड एट्टी टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स क्या हो जाएगा इसमें राइट right आंसर आपका हो जाएगा दो सौ छः हड्डियाँ टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स ठीक है चो क्वेश्चन नंबर टू की हम बात करते हैं तो द ओनली मूवेबल बोन इन द जॉ इज क्या हो जाएगा आपका बताइए आपका हो जाएगा लोअर ठीक है लोअर जोन लोअर जाओ बोन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं वेयर इज द हिंज ज्वाइंट लोकेटेड इन आवर बॉडी हिंज ज्वाइंट जो होता है वो कहां होता है हमारी बॉडी में तो लेग्स एंड हिप के बीच में होता है है ना क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात करें तो द बोन्स एट द ज्वाइंट आर हेल्ड टुगेदर बाई अभी अभी आपने पढ़ा तो बोन्स एंड एट द ज्वाइंट है ना क्या होता है आ, वो आपका हो जाएगा लिगामेंट क्या हो जाएगा लिगामेंट्स ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं टफ बैंड्स विच अटैच मसल्स टू बोन्स जो तो टफ बैंड्स होते हैं विच अटैच मसल टू बोन्स ऊपर देखा आपने टफ बैंड्स बिच अटैच मसल टू बोन्स उसे हम टेंडेंस कहते हैं ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा फाइव का डी हो जाएगा ठीक है बच्चों सिक्स देखते हैं द दे बैक बोन इज अटैच टू तो द बेस ऑफ किसके बेस से अटैच होता है ये रिबकेज की स्कल या फेमर या ह्यूमरस तो स्कल के बेस से तो ध्यान देंगे आवर लोअर आर्म हैस कितने लॉन्ग बोन्स होते हैं इसमें तो इसमें दो लॉन्ग बोन्स होते हैं है ना क्वेश्चन नंबर एट वेन यू बेंड योर आर्म बाइसेप्स दैट आर ज्वाइंट इन टू द आर्म इन फ्रंट क्या होता है ये एट का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रेक्ट सिकुड़ता है ना नाइन <coughs> का क्या हो जाएगा वी कैन आइडेंटिफाई द वेरियस ज्वाइंट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सरे और भी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरे के माध्यम से ठीक है बच्चों टेन कहता है ज्वाइंट अलाउज मोमेंट इन ऑल डिरेक्शंस तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा नन ऑफ दिज इसमें से कोई भी नहीं है हिंद ज्वाइंट वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है है न ज्वाइंट दिस जॉइंट अलाउस मोमेंट इन ऑल डरक्शन तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बाकी सब नेक होता है ठीक है कोई शोल्डर होता है इस तरह से नन ऑफ दिस में ठीक है राइट ट्रू और फॉल्स हम देखेंगे इसमें द फिंगर बोन्स डो नोट हैव जॉइंट्स तो ये तो गलत बात है फॉल्स होते हैं इसमें ठीक है द ट्राइसेप्स आर इन इन द फ्रंट ऑफ आर आर्म नहीं ये तो बाईसपस होता है इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा थर्ड द रिपकेज कंसिस्ट ट्वेंटी फोर बोन्स अरेज इन टेन पेयर्स नहीं क्योंकि ट्वेल्व पेयर्स होते हैं इसमें ट्वेंटी फोर बोन्स तो होते हैं लेकिन पेयर टेन होते हैं ट्वेल्व होते हैं स्नेल्स है स्टीम लाइंड बॉडी टू हेल्प दूव फॉल्स अ स्नैक मूव बाई क्रोलिंग ऑन इट्स वेली ट्रू कॉकरोच कैन वॉक क्लाइंब एंड फ्लाई ट्रू ठीक है तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को तो इतना आप लोग अपने अपने बुक में भर लेंगे या फेयर कॉपी में करना चाहें तो कर लेंगे और वर्ड मीनिंग्स को हमेशा याद रखेंगे ठीक है और जो चीज़ें आपको न्यू यहाँ पे टर्म्स दिए हैं इसको भी ध्यान रखना है तो आगे वाली क्लास में हम क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू